नमस्कार, भक्ति की मसीह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कमेंट्स में जय माता दी लिखकर जरूर बताएं। आज की वीडियो का विषय है कन्या पूजन। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कन्या पूजन का महत्व क्या है, क्यों होती है कन्या पूजा, किस साल की कन्या पूजने से क्या लाभ है, कैसे और कितनी कन्याओं का चयन करें, किन बातों का रखें ध्यान, कैसे करें कन्या पूजन, जानेंगे पूरी विधि और व्रत के पारण का समय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक व शेयर करें, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी धार्मिक जानकारी आपको मिलती रहे। आइए अब बात करते हैं कन्या पूजन के बारे में। प्राचीन परंपरा के अनुसार माना जाता है, एक बार वैष्णव मैया ने अपने भक्त श्रीधर पंडित की भक्ति से खुश होकर उनकी लाज बचाई थी और पूरे संसार को अपने अस्तित्व का प्रमाण भी दिया। पंडित श्रीधर निसंतान और दुखी थे। उन्होंने नवरात्रों में कन्याओं का पूजन करने के लिए बुलाया, जिसमें माता वैष्णव भी बाल रूप में आई। बाल रूप में आई माता ने श्रीधर को भंडारे का आमंत्रण देने के लिए कहा। भंडारे में तमाम लोग और कई कन्याएं भी आई। इसके फलस्वरूप उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तब से आज तक कन्या भोज कराकर लोग माता का आशीर्वाद पाते हैं। नवरात्रि पर कन्या पूजन करने से माँ प्रसन्न होकर भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करती है। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन करने से सुख शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब बात करते हैं व्रत के पारण की और समय की। व्रत के पारण की तिथि है रविवार 25 अक्टूबर 2020। नवमी तिथि प्रारंभ है 24 अक्टूबर 2020 शनिवार सुबह 6:58 पे। नवमी तिथि समापन है 25 अक्टूबर 2020 रविवार सुबह 7:41 पर। पारण का समय है 25 अक्टूबर 2020 रविवार सुबह 7:41 के बाद। आइए अब जानते हैं कन्या पूजन की विधि। नवरात्रि में 9 कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए, क्योंकि 9 कन्याओं को देवी के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन करवाना आवश्यक होता है, क्योंकि उन्हें भैरव का प्रतीक माना जाता है। माँ के साथ भैरव की पूजा आवश्यक मानी गई है। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए, क्योंकि छोटी कन्याओं में माँ का स्वरूप होता है। यह ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। अगर किसी के घर में 9 से अधिक कन्याएं आ जाएं, तो भी उनका स्वागत करना चाहिए। जो 9 कन्याओं की पूजा करने में असमर्थ हो, वे 1 कन्या की पूजा भी कर सकता है, मगर पूरे विधि विधान के साथ करनी चाहिए। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी के दिन किया जाता है। कन्या पूजन के दिन कन्याओं को एकत्रित करके लाना सही नहीं है। कन्या पूजन के लिए 1 दिन पहले ही कन्याओं को निमंत्रण दें। घर में जब कन्याएं आएं, तो फूलों से उन पर वर्षा करें और माता के 9 नामों के जयकारे लगाएं। कन्याओं के पैरों को शुद्ध जल से धोएं और फिर उन्हें साफ आसन पर बिठाएं। कन्याओं के माथे पर अक्षत और कुमकुम से तिलक करें, कलाई पर मौली बांधें, लाल चुनरी ओढ़ाएं। जो भोजन आपने बनाया है, जैसे काले चने, हलवा, पूरी, उसे माता रानी को भोग लगाकर कन्याओं को परोस दें। भोजन के बाद उन्हें वस्त्र, फल आदि भी भेंट करना चाहिए। इससे इच्छाओं की जल्दी पूर्ति होती है और दुखों का नाश होता है। विदा करते समय उन्हें अपने सामर्थ्य के मुताबिक दक्षिणा देकर उनसे अपने ऊपर अक्षत छुड़वाएं और उनके चरण छूकर आशीर्वाद ग्रहण करें। अब जानते हैं कितने साल की कन्या पूजने से क्या लाभ होता है। 2 वर्ष की कन्या पूजने से दरिद्रता दूर होती है। 3 वर्ष की कन्या पूजने से धन धान्य प्रदान करती है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी मानी जाती है। इनकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या पूजने से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है। 6 वर्ष की कन्या कालिका रूप मानी जाती है, जो विद्या, विजय और राजयोग प्रदान कराती है। 7 वर्ष की कन्या से चंडिका स्वरूप में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और 8 वर्ष की कन्या पूजने से वाद विवाद में विजय मिलती है। ये शांभवी कहलाती है।
9 वर्ष की कन्या दुर्गा के रूप में शत्रुओं से रक्षा करती है, 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है, 10 वर्ष की कन्या पूजने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो यह थी कन्या पूजन की संपूर्ण विधि। दोस्तों, हमें नवरात्रि में ही नहीं हमेशा ही कन्याओं का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो आपके परिवार की हो या बाहर की। कन्याओं और स्त्रियों का सम्मान जिस घर में होता है वहाँ खुद भगवान का निवास होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जय माता दी।